साइज 4.3 है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। कहता है विदाउट कंस्ट्रक्शन बनानी नहीं है, वैसे बताओ कि ट्राइंगल बनाई जा सकती है कि नहीं। ठीक है बेटा, इसमें ये कंडीशन होती है ट्राइंगल के लिए, कोई सी दो साइड्स को ऐड करो तो उसका सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, दो साइड्स को जमा करें तो उसका सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, कोई सी भी दो कर लें। या दूसरा ये होता है कि कोई सी दो साइड को माइनस करें तो वो तीसरे से छोटी होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है, चाहे जमा के तरीके से चाहे माइनस के तरीके से। तो पहला पार्ट अगर हम देखें, अब इसमें अगर हम 5 और 2 को ऐड करें ना तो ये होता है 7, और तीसरी साइड क्या है 8। अब ये तो छोटी आ गई है, ठीक है, लेकिन छोटी नहीं आनी चाहिए थी ना, क्या आनी चाहिए थी, बड़ी आनी चाहिए थी, तो बड़ी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हम कहेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड, ये रीजन है ठीक है, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो कोई भी साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। सो इट इज नॉट अ ट्राइंगल, इसलिए ये एक ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि दो साइड्स का हमने सम किया वो तीसरी से बड़ा नहीं आया। इधर से पढ़े तो बड़ा, तो उधर से आए छोटा, ये छोटा है, बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये ट्राइंगल नहीं है। ओके जी, सेकंड पार्ट पे आ जाएं। अब सेकंड पार्ट में अगर हम इन दो को ऐड करें ना, 3.542 को, पॉइंट ना हो तो यहाँ पर होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो आएगा 3.2 प्लस 2 तो ये आएगा 5.5। ये बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, तीसरी साइड क्या है 6, लेकिन ये तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है, तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, यही सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल। ठीक हो गया, इसके नीचे भी ये इंग्लिश लिख देंगे। इस तरह थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में अगर कोई सी दो ऐड करें ना, अब इसमें बड़े ही आएगा। ठीक है, मसलन मैं इन दोनों को कर लेता हूँ, 4.3 प्लस 3.4 तो ये 7.7, वो बड़ा है 6.7 से। ठीक है, तो आप कहेंगे इट इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल साइड्स, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। क्यों, रीज़न आप ये लिखेंगे कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइज, आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल है, अगर ना होती तो फिर वही लिखना है। फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 4.5 और 2.8 रफ में ऐड कर लेते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जब पॉइंट वाली रकम में हल करते हैं, तो 8 और 13 3 1 कैरी 5 और 2 7 तो ये आ जाएगा 7.3। तीसरी साइड क्या है 9, तो ये बड़ा होना चाहिए लेकिन ये बड़ा नहीं है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसलिए ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये बड़ी नहीं है तीसरी से। फिफ्थ पार्ट, 5.4 और 3.5 को अगर मैं जमा करूँ, 9 और ये 8, तो ये बड़ी है तीसरी साइड से। ठीक है, तो 5.4 प्लस 3.5 ये आएगा 8.9, और ये बड़ा है तीसरी साइड क्या बची थी 7। ठीक है, तो आप कहेंगे सो इट इज अ ट्राइंगल। लास्ट वाले पार्ट में अगर हम 3.6 और 5.2 को जमा करें,
तो ये तीसरी साइड के बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है, बराबर आ रहा है, बड़ा तो नहीं ना आ रहा, बड़ा होना चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो इट इज़ नॉट, या दीज कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया, ठीक है बच्चों। वाह जी।